हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इवन मेडिक नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कल जो 7 मई को जो आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई है, जो कि 56 कॉलेज हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में जिन केसेस चल रहे थे जो 56 कॉलेज को लेकर, उनका जो है एग्जाम कराने के लिए ऑर्डर आ चुका है। ये कहे तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि एग्जाम जो 56 कॉलेज के उनको कराइए, और साथ साथ जो भी कॉलेज हैं जो डिफिशियंसी वाले थे और जो सुटेबल वाले, सभी के एग्जाम जो है 15 मई से होंगे, ये तो कंफर्म हो गया है। ओके, तो आज जो है अमर उजाला पेज में जो है एक क्लिप आया है, वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ क्या कुछ कहा गया है। और साथ ही साथ आपको बताऊँगा कि PNST का जो रिजल्ट है वो क्यों नहीं आ रही है, क्या PNST के लिए भी केसेज हुए हैं तो उसकी हियरिंग कब होगी। और साथ में बताएंगे आपको हम कि GNM थर्ड ईयर और सेकंड ईयर और साथ ही साथ GNM फर्स्ट ईयर की जो एग्जामिनेशन होने वाली है वो एग्जामिनेशन कब होगी। ओके, ये सारे बात जो है आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, तो सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट तक पहुँच सके। ओके, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट यानी कि MP हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जिन नर्सिंग कॉलेजों की CBI जांच पर लगाई है रोक, उन छात्रों को परीक्षा में शामिल करे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 56 कॉलेज को लगाई थी परीक्षा कराने की रोक लगाई थी, उन 56 कॉलेज को जो है परीक्षा में शामिल करे और साथ ही साथ सभी छात्रों का जो है एग्जामिनेशन सुने। ओके, तो देखिए, MP हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट के निर्देश दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जिन नर्सिंग कॉलेजों की CBI जांच पर रोक लगाई है, उन छात्रों को परीक्षा में शामिल किया जाए। ओके, जो 56 कॉलेज के जो छात्र थे उनके जो रोक लगाई थी एग्जामिनेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी जो है एग्जामिनेशन 15 मई से होंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है वो 14 मई को है। ओके, सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग है वो 14 मई को है, 14 मई को पता चलेगा क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। ओके, लेकिन कल 7 मई की डेट में जो है वो हाई कोर्ट ने उनकी एग्जामिनेशन कराने की ऑर्डर दे दी है। ओके, तो आपको बता दें कि 15 मई से आप सभी के जो है एग्जामिनेशन होंगे, चाहे वो सुटेबल कॉलेज को है या फिर डिफिशियंट कॉलेज के हैं या फिर जो 56 कॉलेज के थे उनके होंगे। ओके, देखिए, जबलपुर हाई कोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी तथा जस्टिस AK पालीवाल की UP के निर्देश जारी किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जिन 56 नर्सिंग कॉलेजों की CBI जांच पर रोक लगाई है, उनके छात्रों को उस परीक्षा में शामिल किया जाए। ओके, युगल पीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई जो है 1 जुलाई को निर्धारित करते हुए नर्सिंग डिप्लोमा कॉलेजों की जांच रिपोर्ट पेश करने की CBI को निर्देश दिया है। देखिए, जो है अब हाईकोर्ट की अगली जो सुनवाई है वो 1 मई को है, ये तो आप माफ कीजिएगा 1 मई कह रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई जो है वो नर्सिंग केसेस डिप्लोमा को लेकर है। ओके, जो अगली सुनाई होगी वो डिप्लोमा के लेकर है। जो CBI जो जांच कर रही है, जो डिप्लोमा कॉलेजों की, नर्सिंग डिप्लोमा कॉलेजों की, उनकी जो है CBI को रिपोर्ट पेश करनी है। ओके, उसी समय इसीलिए जो है आप लोगों को अभी तक GNM की एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं। तो कहे तो आपको 1 जुलाई को जो है CBI क्या करेगी, CBI जो है 1 जुलाई को आपकी जो कॉलेज की जो लिस्ट है जो जांच कर रही है, जो कॉलेज की लिस्ट है जो जांच कर रही है, जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कॉलेज हैं, उनकी जो जांच कर रही है 1 जुलाई को जो है उनको पेश करनी है। ओके, हाई कोर्ट में उनको पेश करनी है कौन से कॉलेज जो है सही है, कौन से कॉलेज जो है गलत है। तो यही कारण है, यही मुख्य कारण है जो कि आपकी एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं GNM वालों के लिए। ओके, और PNST वालों क्या है कि रिजल्ट को लेकर रुके हुए हैं। तो रिजल्ट जो है आप लोगों का आएगा, बहुत सारे छात्र जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो रिजल्ट आपकी आएगा, आपका इसी मंथ में 31 मार्च को जो है आपका हियरिंग है हाई कोर्ट में, उसके लिए भी एक केसेस हो चुके हैं। ओके, PNST वाले छात्रों को लेकर, तो आप लोगों को GNM वाले PNST वालों को कंफर्म हो गया कि आपके जो है एग्जामिनेशन होंगे। लेकिन CBI जांच के बाद अब सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, कौन से कॉलेज से जो है एग्जामिनेशन होंगे, जो सुटेबल पाए गए हैं फिर अनसुटेबल वाले, ये तो 1 जुलाई को ही पता चलेगा। 1 जुलाई को जब CBI अपना जो है वो पेश करेगी, ओके, अपना जांच जो है जांच करके जो हाई कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद ही पता चलेगा। और आपको बता दें कि 31 मार्च को जो है हाई कोर्ट में PNST को लेकर हियरिंग है, और 1 तारीख को जो है वो 1 तारीख को जो है वो अभी 1080 केस है इसके रिगार्डिंग है, जो जिसको 56 कॉलेज को ऑर्डर दिया है एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो आगे देखते हैं क्या कुछ कहा गया, इतना तो बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, 1 साल को जो है वो नेटिव डेट है, यानी कि जो 1080 केस नंबर है 2022 का, इसका 1 साल को जो है CBI क्या आएगी अपना जांच जो है पेश करेगी, जो जांच की है वो हाई कोर्ट के सामने जो है अपना पेश करेगी। उसी में उसको पता चलेगा कि हाई कोर्ट को पता चलेगा कौन से कॉलेज जो है सही है, कौन से कॉलेज जो है नियम को फॉलो करते हैं, कौन से कॉलेज नहीं करते हैं, इसके बाद ही जो है आपका एग्जामिनेशन होंगे। ओके, तो आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे ना, तो देखिए आप लोगों जो सामने है आ गया, यही कारण है कि आपका जो है अभी एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। ला स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ओके, याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेजों की जांच CBI को सौंप दी थी। CBI की जांच रिपोर्ट के आधार पर नर्सिंग कॉलेजों में संचालन तथा छात्रों को परीक्षा में शामिल किए जाने की संबंध में पूर्व में विस्तार आदेश जारी किए थे। याचिकाकर्ता की तरफ से राज्य सरकार द्वारा नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम 2024 को चुनौती देते हुए याचिका में संशोधन का आवेदन पेश किया गया है। नए नियम में नवीन कॉलेजों की मान्यता अथवा पुराने कॉलेजों की मान्यता नवीनीकरण हेतु 20,000 से 23,000 स्क्वायर फीट एकेडमिक भवन की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए मात्र 8,000 वर्ग फीट कर दिया गया है। देखिए, जो 20,000 से 23,000 जो एक्सपायर पे जो एरिया रहते हैं कम से कम एक नर्सिंग कॉलेज को फॉलो करने के लिए, या जो 2024 के जो नए मान्यता नियम जो है संस्था के जोर से जो लागू किया गया है उसमें क्या है कि इसको 8,000 स्क्वायर फीट कर दिया गया है। तो उसी को लेकर जो है ला एसोसिएशन की तरफ से जो है फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका जो है दायर की गई थी। ये बात समझ गए कि पहले जो होते थे वो इतना से, तो वो पहले जो होते थे 20,000 से 23,000 स्क्वायर फीट होते थे, उतना एरिया रहना चाहिए कम से कम एक नर्सिंग कॉलेज को खोलने के लिए, लेकिन आजकल जो है 8,000 स्क्वायर फीट में ही कर दे रहे हैं। ओके, तो यही बात जो है हाईकोर्ट में, और आगे की ओर देखते हैं क्या कुछ कहा गया है।
देखिए दोस्तों, ऐसी एकता की तरफ से युगल पीठ को बताया गया है कि पिछले दो वर्षों में सीबीआई जांच में प्रदेश के 66 नर्सिंग कॉलेजों आयोग पाए गए हैं। 66 जो नर्सिंग कॉलेज है वो आयोग पाए गए हैं, जिसमें सरकारी कॉलेज भी शामिल है। ये बात तो आप लोगों को हम पहले भी बताए थे, कुछ ऐसे गवर्नमेंट जो है मध्य प्रदेश के, वो नियमों को पालन नहीं करते हैं, आयोग पाए गए हैं। सरकार ने इन्हीं कॉलेजों को 1970 से बैकडोर से एंट्री देने के लिए नए नियम शिथिल किए हैं। नर्सिंग से संबंधित मानक एवं मापदंड तय करने वाली अपेक्ष संस्था इंडियन नर्सिंग काउंसिल के रेगुलेशन 2020 में भी स्पष्ट उल्लेख है कि 23,000 फीट के अकादमिक भवन युक्त नर्सिंग कॉलेजों को ही मान्यता दी जा सकती है। ओके, तो सरकार की तरफ से यह तर्क दिया गया है कि नए नियम बनाने का अधिकार जो है राज्य शासन को है, इसलिए इसे गलत नहीं कहा जा सकता। जो नया नियम बना है वो राज्य शासन को जो है नए नियम बनाने के लिए इसको गलत नहीं किया जा सकता। याचिका पर हुई पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने नए नियम के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने युक्त आदेश जारी किए हैं। ओके, मंगलवार को जो सुनवाई हुई थी कल के डेट में 7 मई को, उसमें जो है इसकी हियरिंग हुई थी। तो आपको बता दें कि जीने वालों के लिए कंफर्म हो गया क्या उनका जो एग्जामिनेशन होंगे वो कब से कब होंगे, यानी कि 1 जुलाई के बाद ही जो है उनके एग्जामिनेशन हो गए। ओके, तो और हम बता दें कि पीएनएसटी वाले भी समझ गए हैं क्या करना है। उनको जो केस हो चुके हैं हाईकोर्ट में, उनको 31/5 को जो है हियरिंग होने वाली है। शायद 31/5 के बाद जो है उनकी कुछ ऑर्डर आए रिजल्ट जारी करने के लिए। ओके, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और जो एग्जामिनेशन 15 मई से होने वाली थी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर की, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर और एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की, उनकी जो है एग्जामिनेशन होंगे। ओके, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।